हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। तो माई YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो जो रोथ द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स बिली क्रिस्टल, कैथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है, जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंदा हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि
युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एनिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवॉर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रैनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिए रॉबर्ट्सी बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रोसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलविय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर,
द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिन को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवड़ पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टोफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स, बिली क्रिस्टल, कैथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टोफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है,
जबकि बहेली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है, और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है, और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवड़ पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित स्वर्गवक्ता पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवॉर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रैनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिए रॉबर्ट्सी बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रोसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है, जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं।
इसमें भी बेटर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तलाक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के लिए बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर जिसके साथ वह अब रहती है, एडिन को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेविन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेविन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेविन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एनिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेविन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेविन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेविन मेल कर रहे हैं। गेविन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेविन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेविन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेविन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेविन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टोफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है।
निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ, अभिनीति जूलिया रॉबर्ट्स, बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित, स्टीफन एड रोटिंग संगीत दिया है, जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज, रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंदा हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तलक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं, जबकि वह एडिन के रूप को समझता है। ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडेन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं।
हालांकि सुबह में वह और कीकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फोन किया कि कीकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि कीकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में कीकी को चोट पहुंचाता है जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवॉर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हैरंसी और एडिंग थॉमस हैं जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के लिए बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग
करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेविन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एनिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं, जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टैन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिए रॉबर्ट्सी बिली क्रिस्टल, कैथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी
प्रोड्यूसर जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तलक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं, जबकि वह एडिन के रूप को समझता है। ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है।
आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रोथ द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स, बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हैरंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर, गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के लिए बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं,
गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि बेली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है, और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है, और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवड़ पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं, जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवॉर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली, टुकी स्टेन ग्रैनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स, बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है, जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेरियर
प्रीमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेहतर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के लिए बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिन को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी स्टेन ग्रैनी
एलिक्रिस और क्रिस्टोफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रोसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टोफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित, स्टीफन एड रोटिंग संगीत दिया है, जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज, रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तलक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं, जबकि वह एडिन के रूप को समझता है। ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडेन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही
किकड़ी किकड़ी एटी के पास जाता है। वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टेन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स बिली क्रिस्टल, कैथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हैरंसी और एडिंग थॉमस हैं जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के लिए बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर जिसके साथ वह अब रहती है एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया
और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेविन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक्ट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एनिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित थी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिंग ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवर्ड पर आता है और एडिंग का सामना करता है। अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टैन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टोफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिए रॉबर्ट्सी बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टोफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है
जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंदा हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं, जबकि वह एडिन के रूप को समझता है। ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडेन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है,
कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गायवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जो रोथ द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिया रिवर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली टुकी, स्टैन ग्रेनी, एलिक्रिस और क्रिस्टोफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन एलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिया रॉबर्ट्स बिली क्रिस्टल, कैथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रूसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टोफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलविय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फिल्म को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंदा हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है। उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेतरर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तल्लक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिंग को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिंग के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जक में भाग लेती है, जहां वह 80 तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है।
कवर्ड में, जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं। ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है, और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है, और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है, टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं, जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकन की जाने मान मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो जो रो द्वारा निर्देशित और बिली क्रिस्टल और पीटर टोनी द्वारा लिखित है। इसमें जूलिए रिवॉर्स, क्रिस्टल जॉनी क्यूजल और कैंथरी टेट जोनस, हैक और जी स्टेली, टुकी स्टेन, ग्रैनी एलिक्रिस और क्रिस्टिफर ब्रॉनी के साथ छोटी भूमिकाओं में है। निर्देशित जो रोथे द्वारा लिखित बिली क्रिस्टल, पीटर टोनिंग द्वारा निर्मित सुशन इलेटी, बिली क्रिस्टल, टोनी हरपन रोथ अभिनीति, जूलिए रॉबर्ट्सी बिली क्रिस्टल, कैंथरी जिटिल जोस, जॉनी क्रोसिक, हाजिक अजारी, स्टेनी टुकी, क्रिस्टिफर ब्रेकन, सेट ग्रेनी, छायांकन फेटी पप कॉल जोरी द्वारा संपादित स्टीफन एड रोटिंग, संगीत दिया है जेम्स न्यूटन हार्वर्ड, उत्पादक कंपनियां गोकुलवीय पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, फ्रेसी प्रोड्यूसर, रोथिन अमेडी प्रोड्यूसर, जूते का फीता प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज। रिलीज़ की तारीख 20 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 40 मिलियन। फिल्म प्रचार ली फ्रेलियम को टीम ओवर टाइम को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जो एक आगमनीय फिल्म है, जिसमें प्यारे पति पत्नी सितारों गोविंद हेरेंसी और एडिंग थॉमस हैं, जिन्होंने एक साथ अग्नित्य लोकप्रिय फिल्म बनाई है।
उनका काम फिल्म के सकिनी निर्देशन हेलेन विडमैन द्वारा जटिल है, जो एक प्रेसी जंकट पर प्रेमियर तक किसी को भी फिल्म देखने से इनकार करते हैं। इसमें भी बेटर गेविन और एटिंग कॉफी अमेरिकन के जाने माने एक बदसूरत तलक से गुजर रहे हैं। एडी के साथ फिल्म बनाना बंद करने के बाद से गेविन का किराया नीचे की ओर खिसक रहा है। सह कलाकार हेक्टर के साथ उसका अफेयर, जिसके साथ वह अब रहती है, एडिन को भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एडिन के कार्य ने गेवन को उसके खिलाफ एक विरोध आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया और वह न्यू एट रिटर्न में चला गया। ली फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मौका त्याग करते हैं। प्रेशर को यह विश्वास दिलाना है कि युग फिर से जुड़ गया है। ली लैन गेवन की बहन और निजी सहायक किंकी की मदद ली और उन्हें गेवन को समझा दिया कि उसके खराब क्यूएल और सार्वजनिक छवि को फायदा होगा अगर वह जट में भाग लेती है, जहां वह एटी तलाक के कागजात भी दे सकेगी। ली ने लेटी को यह समझने के लिए एडिंग के आध्यात्मिक मार्गदर्शनों को निश्चित दी कि वह भाग लेने के लिए प्रेरित है। कवर्ड में जबकि एडी और गेवन एक दूसरे के गले में हैं, ली ने प्रेसी को समझाने के लिए कहानियां लिखी कि युग सुल कर रहे हैं। गेवन किक को एडिंग के साथ उसके बीच जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह ली के साथ व्यवहार कर रही है। जैसे ही वे एक साथ समय बिताती है, एडिन ने नोट किया कि किक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मात्रा में वजन कम किया है और वजन कम करने से पहले उसके मन में किकी के लिए भावनाएं हैं। जबकि वह एडिन के रूप को समझता है, ली उसे प्रेय की वजह से सावधान रखने की चेतावनी देता है और जो मानते हैं कि वह और गेवन मेल कर रहे हैं। गेवन और एडिन के मूर्तिव्य की कहानियों से नाराज है टेकर कवर्ड पर आता है और एडिन का सामना करता है, अंत उसे बाहर कर देता है। जैसे ही किकड़ी एटी के पास जाता है, वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और सेक्स करते हैं। हालांकि सुबह में वह और किकी नाश्ते कर रहे हैं जब गेवन ने उसे फ़ोन किया कि किकी को देखने की मांग की। सबसे पूरे से डरते हुए एडी झूठ बोलता है कि किकी उसे नहीं देख रही है और उसे आराम करने की ज़रूरत है। वह अपनी शादी और संभावित सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए गेवन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह अंत में किकी को चोट पहुंचाता है, जो एटिल को गेवन को यह बताने हुए कि सुनाता है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, क्रोधित हो जाता है। वह उसका सामना करती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाना सकती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह कभी गेवन से आगे निकल जाएगा। यह वीडियो ही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।